सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं। और बाकी दो कैंप जो व्रत कैंप थे उसमें भी उनका प्रतिभागिता रही और करीब 47 जीवन ज्योति बीमा योजना के, 175 जनधन योजना के और 18 सुरक्षा बीमा योजना के लाभार्थी हमने आच्छादित यहाँ पे जोड़े हैं। इसके अलावा सर दो संपर्क मार्ग हैं, दो संपर्क मार्ग यहाँ से यहाँ पे फोन पे चालू है और सुचालित है, यह मुख्य थे सर। इसके अलावा हमने जो वृक्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम था 15 अगस्त को, उसमें 500 पौधे यहाँ पे रोपित किए गए और उसकी डिजिटल डायरी अलग से मेंटेन की गई है, रखी गई है, उसकी कुछ फोटोग्राफ जो आज की हमारी डायरी है, प्रगति पुस्तिका है, उसमें भी संलग्न की गई है। अब मैं माननीय मंत्री जी श्री, चूंकि ये जन चौपाल है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह उद्बोधन कर हमारा मार्गदर्शन करें और इसके बाद अगर लोगों के सवाल है सर, दो लोग वहां पर रहेंगे सहयोग के लिए, तो जो भी सवाल अगर आप चाहें सर तो वो भी पूछे जा सकते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। सांसद आदर्श गांव डोमरी में आयोजित आज के चौपाल कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, इस ग्राम सभा डोमरी और आसपास से आए हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा काशी के सांसद के रूप में जिन तीन गांवों को सांसद आदर्श गांव के रूप में चयन किया गया है, यह सौभाग्य डोमरी गांव को भी प्राप्त हुआ है कि यह भी सांसद आदर्श गांव के रूप में आपका गांव भी चयन किया है। सांसद आदर्श गांव में चयन होने के बाद यहां पर क्या क्या कार्य होने हैं, यही सब देखने, निरीक्षण करने और जानकारी लेने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। एक महीने पहले मैंने पूरे प्रदेश के अंदर सभी सबके सामने अपनी बात कह सकूं और शासन की सभी योजनाओं को यहां पर पहुंचाने के लिए हम लोग अपना योगदान दे सकें, इसके लिए आज मैं विशेष रूप से आपके बीच में आया हूं। दो हजार 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश के अंदर विकास का, सुशासन का, सुरक्षा का जो एक माहौल दिया, शासन सत्ता के प्रति आम जन के मन में जिस विश्वास को जागृत किया और साथ ही साथ इस देश को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए जो कार्य किए, आजादी के बाद से इस देश के अंदर चली आ रही परंपरागत औपचारिक राजनीति को गांव केंद्रित, गरीब केंद्रित, नौजवान केंद्रित, किसान केंद्रित, मजदूर केंद्रित, दलित और वंचित केंद्रित और महिलाओं को केंद्रित करते हुए शासन की योजनाओं का लाभ इन सभी तबकों को देने का जो कार्य प्रारंभ किया वह अभूतपूर्व है।
अत्यंत सराहनीय रहा है, दुनिया ने उसकी सराहना की है, दुनिया अब उसका अनुसरण करती हुई दिखाई दे रही है। भारत के अंदर चलने वाली योजनाओं का अनुकरण दुनिया करे और हम सब उसमें मौन बना रहे तो मुझे लगता है ये कमी हमारी होगी। आज स्वच्छ भारत मिशन के अंदर देश के अंदर करोड़ों गरीबों के पास उनका शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य विगत चार वर्षों में, साढ़े चार वर्षों में हुआ। जिन गरीबों के पास अपने सिर को ढकने के लिए छत नहीं थी, प्रधानमंत्री आवास योजना ने उन गरीबों को आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया और किया जा रहा है। जिन गरीबों के पास अपने विद्युत कनेक्शन नहीं थे, उनके गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य और उन्हें विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य सौभाग्य योजना में निःशुल्क इस योजना के माध्यम से किया जा रहा है। जिन गरीबों के पास बैंक में खाते नहीं थे, उन गरीबों का जनधन योजना में बैंक में खाता खुलवाने का कार्य प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर युद्ध स्तर पर चल रहा है। जिन नौजवानों को नौकरी की बजाय अपने स्वयं के व्यवसाय को प्राथमिकता देनी है, ऐसे नौजवानों को जिनको अपना कारोबार प्रारंभ करने के लिए धन की आवश्यकता थी और वे अपना स्वयं का कारोबार प्रारंभ करना चाहते थे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से सस्ते दाम पर, आसान किस्तों पर उन्हें मुद्रा लोन से बिना गारंटी के बैंकों से लोन की सुविधा प्राप्त हो सके, यह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से करोड़ों नौजवान लाभान्वित हो रहे हैं। स्टैंड अप में अनुसूचित जाति जनजाति का जो नौजवान अपना स्वयं का उद्यम खड़ा करना चाहता है, ऐसे हर बैंक की शाखा को, ऐसे दो उद्यमियों को, महिला और पुरुष को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करके अपना स्वयं का उद्यम प्रारंभ करने के लिए आसान किस्तों पर बिना गारंटी के लोन की सुविधा देने का कार्य हो रहा है। स्टार्टअप के माध्यम से पेंशन की बेहतर योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं का लाभ गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, दलित को, वंचित को, महिलाओं को, समाज के हर तबके को बिना भेदभाव देने का कार्य अगर जिस महापुरुष ने प्रारंभ किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपके सांसद भी हैं, और इसलिए आप सब काशीवासियों को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि आपके द्वारा चुना गया विद्यालय में स्थापित लाइब्रेरी को देखा, विद्यालय में जो स्मार्ट क्लास बनी है उस क्लास को देखा, विद्यालय में जो फर्श में टाइल्स लगाई गई हैं, उसको देखा, इंटरलॉकिंग के कार्य को देखा, और मैं प्रशासन से इसी बात को कहूंगा कि पूरे डुमरी गांव में पूरी तरह उसे संतृप्त करने की आवश्यकता है, जिस पर भी युद्ध स्तर पर कैंप लगाकर के इस कार्य को भी प्राथमिकता के आधार पर संपन्न करें। जिन लोगों के पास अपने बिजली का कनेक्शन नहीं है, अगर वहां बिजली है कनेक्शन नहीं है तो तत्काल उन्हें बिजली का कनेक्शन दें, और अगर वहां पर बिजली नहीं है तो पोल उनके घर तक पहुंचा करके उनको बिजली का। गांव में जैसे जयापुर में जो महिलाएं स्वावलंबन की ओर अग्रसर होना चाहती हैं, उन महिलाओं के लिए सोलर चरखा का वितरण हुआ है, महिला स्वयंसेवी समूह बना करके उन महिलाओं को, उन माताओं को उस गांव में विभिन्न कार्यों के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है,
ऐसे एक दो समूह यहाँ पर भी गठित करके उन लोगों को भी, किसी को डेयरी के साथ, किसी को सिलाई कढ़ाई के साथ, किसी को सोलर चरखा के साथ, किसी को अन्य किसी अन्य कार्य के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, जिससे मातृशक्ति के स्वावलंबन के माध्यम से हम परिवार और गांव को स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकें। नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए स्टैंडअप योजना ने और अन्य पढ़े लिखे नौजवानों के लिए स्टार्टअप में भी हमें कुछ नई योजनाओं को प्रारंभ करके बैंक के माध्यम से कैंप लगा करके लोगों को लाभान्वित किए जाने की आवश्यकता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि नियमित रूप से यहां पर मेडिकल कैंप लगा करके लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण की जानकारी और उन्हें बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सके, इस दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है इन चीजों पर अगर हम ध्यान दे दें, कुछ भी कार्य हम प्रारंभ कर सकें वो अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायी हो सकता है। और फिर ये तो काशी की धरती है, यहां पे डेयरी का काम अच्छा हो सकता है, यहां पर सिलाई कढ़ाई का काम अच्छा हो सकता है, यहां पर तमाम अन्य प्रकार से हम लोगों को प्रशिक्षित करके स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकते हैं। सांसद आदर्श गांव विकास की एक ऐसी धुरी बने जो अन्य गांवों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बने, अन्य गांव के लोग उसका अनुसरण कर सके। आज प्रधानमंत्री जी के कारण विकास की धुरी गांव बने हैं, गांवों को विकास के लिए पर्याप्त धनराशि दी जा रही है, पेयजल के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस सब के बावजूद जहां कमी रहेगी राज्य सरकार और केंद्र